आज की वीडियो हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर में। इसमें मैं आपको 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दूंगा, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों के मीनिंग अच्छे से बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम, या टॉम होता है मकबरा, इंस्क्रिप्शन होता है उस पर जो चीज़ें लिखी जाती है नक्काशी करके, जैसे आप कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं। देखो पहला वर्ड है क्रिप्ट, क्रिप्ट होता है अंडरग्राउंड रूम बीनीथ अ चर्च, अंडरग्राउंड रूम बीनीथ अ चर्च, एक चर्च के नीचे जो अंडरग्राउंड रूम बना होता है। मुझे तो पता नहीं है बना होता नहीं बना, ना मैंने कभी देखा, पर जो मीनिंग लिखा गया था तो अंडरग्राउंड रूम बीनीथ अ चर्च। नेक्स्ट वर्ड है लेगेसी, लेगेसी होता है विल लेफ्ट बाय अ पर्सन, यार विल होता है जायदाद, जायदाद वसीयत। मान लो किसी इंसान की डेथ हो गई तो उससे पहले विल बनाते ना कि मैं अपने बेटे को इतना पैसा दे रहा हूँ, इस बेटे को इतना, बेटी को इतना, उसे कह जाते हैं आप लेगेसी, विल लेफ्ट बाय अ पर्सन। नेक्स्ट है एपिटाफ, एपिटाफ होता है वर्ड्स इंस्क्राइब ऑन टॉम, मतलब टॉम मकबरे पे लिखा जाता है कि इसकी याद में बनाया गया है, इसका ये करा गया है, उसे कहते हैं एपिटाफ। नेक्स्ट है ओबिचुरी, ओबिचुरी होता है यार डेथ नोटिस, डेथ नोटिस especially in a newspaper। कभी आपने उसमें देखते होगे newspaper में ना obituary आती है, उसकी श्रद्धांजलि दी जाती है, 3 तारीख को इनकी वो हो गई है, क्या कहते हैं, देहांत हो गया, इनको श्रद्धांजलि दी जाती है, newspaper में आता है कॉलम बना, उसे क्या कहते हैं obituary, मतलब शॉर्ट बायोग्राफी टाइप की, हल्का सा इतना सा कॉलम बना होता है उसमें लिखा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा आर्ट ऑफ मेकिंग fireworks, ठीक है आर्ट ऑफ मेकिंग fireworks चलते हैं। देखिए पहला वर्ड है numismatics, नुमिसमेटिक्स होता है कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन्स का कलेक्शन हो, अलग अलग तरह के सिक्के, इंडिया पाकिस्तान जापान ऑस्ट्रेलिया 58 सब इकट्ठे करना, क्या कहलाता है नुमिसमेटिक्स। नेक्स्ट है कॉस्मोटिक, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक तो यार वो क्रीम वगैरह होती है जो फीमेल्स वगैरह लगाती, देखा तुमने फाउंडेशन वगैरह, या फिर तुम बोलो ओले की क्रीम आती है, या तुम और कोई क्रीम मुल्तानी मिट्टी बताओ, ऐसे लेप सन लगा लेते ऐसे थोप देते हैं तो उसके बाद आपके अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए, उसे क्या कहते हैं कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक का तो कोई है नहीं, कॉस्मेटिक्स की दुकान भी होती है। नेक्स्ट वर्ड है क्रोमेटिक, क्रोमेटिक्स होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ कलर्स, भाई कलर वगैरह की स्टडी के करना कहलाता है क्रोमेटिक्स, है ना। पायरोटेक्निक्स होता है फायरवर्क डिस्प्ले, बम पटाखे वगैरह फोड़ना दिवाली के टाइम पर, जो उसे क्या कहते हैं पायरो टेक्निक, बात समझ आ गई, ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई ऑफिशियल कॉल टू अपियर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, देखो कोर्ट ऑफ लॉ में आपको जब कोर्ट केस की चलता है आप, मान लो सपोज आप पे केस चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि आज आप पे केस चला तो आपकी हेयरिंग आज से स्टार्ट होगी, समन कभी आपका 1 साल बाद जाके आता है, 1 साल 8 महीने पहले भी 6 महीने, तो उसमें आपको भेजा जाता है कि जो आपका नाम है, मान लो आपका नाम इंद्रजीत है, तो कहेंगे इंद्रजीत आपको फलाना तारीख को इतनी तारीख को अपने वकील के साथ वहाँ पे उपस्थित होना कोर्ट में, उसे कहते हैं समन, जब कोर्ट से, तो इसका आंसर क्या है समन। नोटिस होता है मेरे भाई कि जैसे आपने मान लो बैंक का कोई पैसा नहीं भरा या कोई चीज़ ऐसी, तो नोटिस होता है आपको नोटिस भेजा जाता है कि आपको मकान खाली करना है, ये नोटिस, इसे कहते हैं नोटिस। पिटीशन होती है फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट, कई बार आप पिटीशन डालते हो, मान लो आपने देखा कि आपके सोसाइटी में देखो वो जो है डॉग्स पे बड़ा अत्याचार को मारा पीटा जाता है, या फिर आपने देखा कि एनिमल्स को बहुत भी तरह, तो आपने पिटीशन डाली कि भैया देखो हम जानते हैं, इसलिए कहते हैं पिटीशन। मेमोरेंडम होता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट टाइप का समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं टू कंट्रीज साइंड ए मेमोरेंडम, या फिर बिजनेस का पर्पज के लिए जो हो ना एक ट्रीटी साइन, उसे कहते हैं मेमोरेंडम। नेक्स्ट वर्ड पे चले, नेक्स्ट है एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन स्मॉल स्पेस, छोटे से स्पेस में जाके इकट्ठे जाना। आप देखो हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर, भाई फोबिया डर, हाइड्रो मतलब पानी से डर। पैराफर्नेलिया होता है मिसलेनियस इक्विपमेंट, यार वो इक्विपमेंट जिनका कोई आपस में मेल मिला, कोई भी चीज़ उठा ली, कोई भी चीज़ सामान, उसे कहलाते हैं पैराफर्नेलिया, मिसलेनियस इक्विपमेंट्स। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन स्मॉल स्पेस, आंसर भी यही है ना, क्लॉस्ट्रोफोबिया आंसर भी है। प्रोजीरिया होता है वो कंडीशन जब आप छोटी उम्र में ही बुड्ढे दिखने जाते हो, नहीं मैं तो नहीं हूँ ऐसा, मेरे पे नहीं है प्रोजीरिया, मैं तो नॉर्मली बुड्ढा दिखता हूँ भाई, वैसे प्रोजीरिया छोटे बच्चों को भी देखा होगा आपने, और देखा था एक मूवी भी आई थी अमिताभ बच्चन की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, तो उसमें क्या था छोटा सा बच्चा था बुड्ढा दिखता था बहुत ही, तो इसे कहते हैं प्रोजीरिया, बात समझ आई नहीं आई। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट है तो उसका आंसर क्या है, वैसे इसका क्लॉस्ट्रोफोबिया है, इसका समन है,
इसका एपिटाफ है, इसका क्या है, पायरोटेक्निक। मर्डर ऑफ ए ब्रदर, भाई की हत्या। अच्छा सुनो, साइड मतलब होता है हत्या, मैंने आपको पहले ही बताया था वोकैब की सीरीज में। पैट्रिसाइड होता है फादर की हत्या, फ्रेट्रिसाइड होता है ब्रदर की हत्या, पैरिसाइड होता है पेरेंट्स की, होमिसाइड होता है किसी इंसान को मारना, किलिंग वन पर्सन, किलिंग वन पर्सन। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मर्डर ऑफ ब्रदर यानी फ्रेट्रिसाइड। नेक्स्ट है, वन हू प्रिटेंड टू बी समबॉडी ही इज नॉट। एक क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल तो मगरमच्छ होता है, कोई मतलब नहीं है। हिपोक्राइट होता है भाई पाखंडी, ढोंगी, प्रिटेंडर, पाखंडी। आपने देखा था कुछ बाबा लोग पकड़े गए, पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ, कुछ क्या क्या उल्टे काम करते थे, दैट इज कॉल्ड हिपोक्राइट। बाबा बनते थे पर रियल में कुछ और थे, पाखंडी। फ्लैटर होता है इंसान जो चापलूसी करता रहे, हमेशा चापलूसी, बटरिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में वो। काउंटरफिट होता है एग्जैक्ट इमिटेशन ऑफ समथिंग। यार मान लो कोई कोहिनूर का हीरा है, मैं उसकी कॉपी बना लूँ, अब मेरे बना सकता हूँ मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, खैर कॉपी बना लूँ आपको बेच दूँ करोड़ों में, तो आपने काउंटरफिट उसे कहते हैं। किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट इमिटेशन, किताबों की इमिटेशन होती है भाई। पैरेटेड किताबें क्या होती है, आपकी नॉर्मल किताबें आती मान लो 1000-1200 की, पैरेटेड में क्या करते हैं, फोटोशूट वगैरह करके प्रिंट करके सस्ता प्रिंट, सस्ती क्वालिटी 200-300 की भेज देते हैं, उनका फायदा। तो भाई वन हू प्रिटेंड टू समबॉडी इज नॉट क्या होगा, हिपोक्रेट। नेक्स्ट है, गिव अप बबल्स ऑफ ए गैस। बबल्स ऑफ ए गैस होता है इफरवेसेंस। कभी पेप्सी वगैरह को देखना, आप पेप्सी अगर ग्लास में डालना, जैसे बोतल खोले जैसी, तो आप देखो बबल्स, उसे कहते हैं इफरवेसेंस। कॉस्मेटिक में आपको बता सकता, मेकअप वाली चीज़ें। इफ्लोरेंस होता है फ्लावरिंग पीरियड, किसी भी प्लांट का फ्लावरिंग पीरियड, जब उससे फ्लावर्स वगैरह निकलने जाते हैं उसे क्या कहते हैं, इफ्लोरेसेंस। ठीक है, इफेस होता है मिटा देना, टू वाइप समथिंग। मान लो कोई आपने पेंटिंग करी या पेंट कर रहे हो, आपने ऐसे मिटो दिया, दैट इज कॉल्ड एज इफेस। तो इसका आंसर क्या है, इफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। मेन्यू देखो, मेन्यू तो यार होटलों में होता है, मेन्यू थोड़ा डिस्कस करते हैं मीटिंग में। ठीक है, माइन्यूट होता है बहुत कम, या मिनट्स भी होगा तो मिनट होगा तो टाइम वाला भी होगा तो भी कोई मतलब, रिकॉर्ड्स का कोई मतलब नहीं। एजेंडा, एजेंडा होता है जो जो चीज़ें आपने एक मीटिंग में डिस्कस करनी। आप कहते हैं हमारी मीटिंग में एजेंडा ये कि हम ये मुद्दा उठाएंगे, आप कहते हैं यूएन में जाके ये पाकिस्तान के बारे में मुद्दा उठाएंगे, एजेंडा। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, देखो एस्ट्रोलॉजी होता है भविष्य बताना। मैं आपसे कहूँ कि आपका मंगल भारी है, शनि भारी है, राहु केतु है, चंद्रमा दूसरे स्थान पर चला गया है, एस्ट्रोलॉजी भविष्य बताते ना। हाँ जी भाई, स्टार गेजिंग होता है चांद को, उसको चांद नहीं स्टार क्या होता है, तारों को देख के ऐसे सोचते, गेज में सोचते रहना तारे के, होता है स्टार गेजिंग। एस्ट्रोनॉमी होता है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, ये तो होता है ना, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, स्टडी। एस्ट्रोफिजिक्स होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स, ऑफ स्टार्स। बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम। अब देखो पहले से यार बड़ी बिल्डिंग होती है, पहले से मतलब बड़ी बिल्डिंग तुम देखते हो, बिल्डिंग नहीं सॉरी, बड़े किले टाइप के, जयपुर में बहुत सारे पैलेस हैं, बड़े बड़े पैलेस, उन्हें कहा था पैलेस। एडिफाइज होता है लार्ज इम्पोसिंग बिल्डिंग, जो फेमस टाइप की, यानी कि आपकी सोसाइटी में कोई बिल्डिंग आपने कहा ये एडिफाइज है, जैसे कुतुब मीनार बोल सकते हो आप, लाल किला बोल सकते हो, इससे कहते हैं एडिफाइज। नेक्स्ट है रोटुंडा, रोटुंडा यही होती है मेरे भाई, सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद ए डोम। डोम क्या होती है, देखो डोम ये शेप होती है, देखो ताजमहल वाली नहीं डोम शेप, ऐसे जो होती है मस्जिद टाइप की, ये ताजमहल की, इसे कहते हैं डोम, तो इसे कहते हैं रोटुंडा। स्पायर होता है बिल्डिंग विद अ कोनिकल पिरामिड, कोनिकल वो बिल्डिंग जिसका कोनिकल पिरामिड हो कुछ इस तरह से, देखो ऐसे कोनिकल पिरामिड। तो इसका आंसर क्या है भाई, रोटुंडा। बात समझ नहीं आई, इस वीडियो में बच्चे करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।